तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो आप लोगों? आज इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं गैलेक्सी A71 के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली में इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है तकरीबन 30,000 रुपयों का। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस फोन की स्पेसिफिकेशंस या फिर फीचर्स के बारे में बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मेरे समझ से आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी मालूम होगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से आप लोगों को इस फोन को बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए। और स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास की जल्दी से इस वीडियो को। मैं हूं ऋषभ और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टेक। ओके, तो भाई इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, और वो भी खासकर उन लोगों के लिए जो कि अभी फिलहाल नीचे कमेंट सेक्शन में उटपटांग चीज़ें लिख रहे होंगे। तो भाई देखो, यहाँ पे मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है सैमसंग वालों के साथ। इवन यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कमाल के अभी रिसेंटली में फोन्स लॉन्च किए हैं, और खासकर गैलेक्सी एम सीरीज के फोन्स, जो कि सच बता रहा हूँ बजट सेगमेंट पे काफ़ी कमाल के वैल्यू आपको ऑफर करते हैं। लेकिन भाई गैलेक्सी A71 मेरे ख्याल से काफ़ी ओवर प्राइस्ड फोन है। और अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले तो ये सुनो। तो भाई साहब, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, गैलेक्सी A71 को सैमसंग वालों ने इंडिया के अंदर लॉन्च किया है 30,000 रुपयों का। और दोस्त, यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 का, जो कि मेरे ख्याल से इस फोन की कीमत से लगभग आधे में आने वाले पोको X2 के साथ भी आपको देखने को मिल जाता है। और नो डाउट भाई, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इन बेंचमार्क्स को भी देख पा रहे हो, एक काफी कमाल का मिड रेंजर चिपसेट है। लेकिन अगेन मिड रेंजर चिपसेट है, 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में इंडिया के अंदर आपको काफी कमाल के फोन देखने को मिल जाएंगे, वो भी फ्लैगशिप लेवल के। तो हाँ भाई, गैलेक्सी A71 में आपको कहीं से भी 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे मिलने वाले फोन्स की लेवल की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलने वाली। अब जहां तक बात आती है फोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ फोन के लुक्स की यहाँ पे मैं बातें नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक अच्छा फीचर है इस फोन के साथ। मतलब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इस बात में कोई शक नहीं है, फोन दिखने के मामले में काफी कमाल का दिखता है। लेकिन भाई साहब, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता देना चाहता हूँ, इस फोन को बनाया गया है पूरा का पूरा पॉलीकार्बोनेट से। अब यहाँ पे कुछ लोग इसे ग्लास्टिक भी कहते हैं, लेकिन आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ ये कुल मिलाकर प्लास्टिक ही है। तो अगेन भाई, यहाँ पे आप लोग 30,000 रुपए इस फोन के पीछे खर्च तो कर दोगे, लेकिन उस लेवल की यहाँ पे आपको प्रीमियमनेस देखने को नहीं मिलेगी इस फोन के साथ। अब वैसे अगर आपको ये छोटी बात लग रही है तो आपको बता देना चाहता हूँ भाई, ये सच में काफी बड़ी चीज है। मतलब दोस्त, अगर आप लोग इस फोन को नया नया लेके आते हो तो यूज करने में तो आपको काफी अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिन अगर आप लोग इस फोन को बिना बैक कवर के यूज करोगे तो काफी जल्द इस फोन के बैक साइड पे आपको स्क्रैचेस देखने को मिल जाएंगे। अगेन गंभीर समस्या है। अब जहां तक बातें आती है कैमरास की, तो देखो भाई, मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ बातें नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे मैंने अभी तक इस फोन के कैमरास को टेस्ट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चलो, एक अच्छी बात है कि इस फोन के बैक साइड पे आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पे आपके काम में सिर्फ दो ही कैमरास आने वाले हैं, क्योंकि जहां तक बातें आती है इस 5 मेगापिक्सल के माइक्रो लेंस की या फिर ये 5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग कैमरा की, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप लोग इन कैमरास का कभी यूज भी करोगे। अब देखो भाई, ऐसी बात नहीं है कि इस फोन के साथ सारी चीजें बेकार ही है, यहाँ पे ऑफकोर्स कुछ अच्छी बातें भी हैं इस फोन के साथ। जैसे कि इस फोन के साथ आपको एक 32 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले नो डाउट फोन की काफी कमाल की है, मतलब एमोलेड पैनल खासकर सैमसंग के कोई शक नहीं है काफी कमाल के होते हैं। 4500 mAh की काफी बड़ी बैटरी का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगेन दिक्कत मुझे इस फोन के साथ इस फोन की प्राइसिंग से है। मतलब भाई, अगर आपको सैमसंग का ही फोन लेना है तो आप लोग 25 फरवरी का वेट कर लो, यहाँ पे एक फोन लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है गैलेक्सी M31। वहां पे भी आपको एमोलेड पैनल का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, वहां पे भी आपको 64 मेगापिक्सल वाले ये क्वाड रियर कैमरा सेटअप का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ भाई, फिलहाल के लिए तो मैं आपको 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल भी गैलेक्सी A71 रिकमेंड नहीं करूंगा। और हाँ भाई देखो, ये तो थी कुछ चीजें जिनकी वजह से मुझे लगता है कि गैलेक्सी A71 एक काफी ओवर प्राइस्ड फोन है। और बाकी अब यहाँ पे आपके क्या थॉट्स या आपके क्या ख्याल है इस फोन के बारे में, भाई सारी चीजें आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो मेरे भाई एक लाइक चपकाओ इस वीडियो पे, चैनल को कर देना सब्सक्राइब उस लाल वाले बटन को दबा के, और उस घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसके बगैर ऐसी और काफी कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी नहीं। सो मेक श्योर आपका नोटिफिकेशन बेल भी ऑन होना चाहिए। और चलो फिर मैं मिलता आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए